सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। घर आएंगी माँ लक्ष्मी। दीपों के इस पर्व पर हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी ये खास पेशकश, जहां हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे इस त्योहार को मनाएं, पूजा का मुहूर्त क्या है और किस तरह से की जाए पूजा कि आपके भंडारे माँ लक्ष्मी धन धान्य से भर दें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारे इस खास पेशकश पे हमारे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर पूजा भाटिया जी। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। जी नमस्कार। तो सबसे पहले पूजा जी, मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताएं कि दीपों के इस पर्व का आखिर महत्व क्या है, इससे जुड़ी क्या मान्यता है और इस दिन लक्ष्मी पूजन का विधान क्यों है। देखिए, हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत ही जोश के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर दीपावली का शुभ त्यौहार मनाया जाता है और कहा जाता है कि जिस तरह से श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस आए थे अपने सीता मैया के साथ और पूरी अयोध्या ने उनके आने की खुशी में घी के दिए जलाए थे और इस प्रकार वो लंका पर विजयी पाकर आए थे और कहा जाता है कि असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है दीपावली का ये त्यौहार। इसी खुशी में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है और दिवाली पर जो है लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की भी पूजा करते हैं। दिवाली जो है 5 दिन का त्यौहार है जो शुरू होता है धनतेरस से। धनतेरस वाले दिन हम बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं और कहा जाता है कि इस दिन कुछ भी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद हमारी नरक चतुर्दशी आती है जिसे हम छोटी दिवाली और फिर बड़ी दिवाली और फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा आती है और उसके बाद हमारा आता है भैया दूज का त्यौहार। तो ये जो 5 दिन हैं दीपावली के बहुत ही धूमधाम से हमारे देश में मनाए जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से पूजा जी ने बताया कि 5 दिन पहले से ही त्यौहार को मना लिया जाता है, लोग मनाने लगते हैं, खुशी का माहौल देखने को मिल जाता है लोगों में। पूजा जी, आप बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। दिवाली पूजन में शुभ मुहूर्त भी बेहद महत्वपूर्ण होता है पूजा जी, जी जी, जिनके जी बारे में सभी जानना चाहते हैं। तो पूजा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि माँ लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और किन चौघड़ियों में पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। जी, दिवाली का जो शुभ मुहूर्त है वो होगा शाम को 6:10 से लेकर शाम के 8:06 तक, जिसकी टोटल अवधि होगी 1:55। अगर हम प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल शाम को होगा 5:34 से 8:10 तक और जो वृषभ काल यानी जो स्थिर लगन है जो बहुत ही शुभ माना जाता है वो शाम को 6:10 से 8:06 तक रहने वाला है। तो क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है, किन चौघड़ियों में हम पूजा अर्चना कर सकते हैं, तमाम जानकारी पूजा जी दर्शकों के साथ साझा कर रही हैं। और अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए पूजा जी, क्योंकि हम देखते हैं जब दिवाली का त्यौहार मनाते हैं उससे पहले जो लोग हैं माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं ताकि माँ लक्ष्मी की जो कृपा है भक्तों पर सदैव बनी रहे। ऐसे में आप चाहूंगी आप बताएं दर्शकों को कि माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना किस तरह से की जाए ताकि माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। संक्षेप में हमें दिवाली पूजन विधि की पूरी जानकारी चाहूंगी आप समझा दीजिए। जी देखिए, लक्ष्मी पूजा का विधान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है दिवाली के शुभ अवसर पर। हर इंसान दिवाली के शुभ अवसर पर लक्ष्मी पूजन जरूर करता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी खुद चलकर हमारे घर में आती हैं। लक्ष्मी जी की पूजा की तैयारी सायंकाल होते ही सब लोग शुरू कर देते हैं और इसमें आपको क्या करना है, आपने एक चौकी लेनी है, उस पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्तियाँ रखनी है, उस पर लाल कपड़ा बिछा कर विधिवत तरीके से आपको देखना है कि दाईं दिशा में गणेश जी रखें, लक्ष्मी जी की दाईं दिशा में गणेश जी होने चाहिए और उनका मुख जो है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। तो दिशा का विशेष ध्यान आपको रखना है। उसके बाद आपको चावल लेने हैं और चावलों पर आपको कलश रखना है, कलश की स्थापना करनी है और इस कलश के ऊपर आपको एक नारियल रखना है। नारियल को आपने लाल वस्त्र में लपेट कर रखना है और इस तरह से रखना है कि नारियल का ऊपर का भाग दिखाई दे। 2 बड़े दीपक लीजिए और उनमें से एक में आप घी जलाइए और दूसरे में आप तेल भरकर रखिए और दोनों दिए जो हैं माता के चरणों में और श्री गणेश जी की मूर्ति के सामने आपको चौकी की तरफ दाईं ओर रखना है। इसके अलावा एक छोटा दीपक लीजिए और वो भी गणेश जी के सामने आप जलाइए। फिर शुभ मुहूर्त जब आपका दिवाली का आए तो उस समय पे आप जल, मोली, अबीर, चंदन, गुलाल, चावल, धूप, बत्ती और ये
सब जितने भी नैवेद्य हमारे जो पूजा में यूज होते हैं, इन सबको लेकर आप विधिवत पूजा कीजिए, दीपक को जलाइए। और जो आपको क्या करना है, दीपक जलाकर माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को विधिवत प्रणाम करना है। और फिर उसके बाद आपको श्री सूक्त का पाठ करना है, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना है, और साथ ही लक्ष्मी जी की वंदना करनी है। इस दिन कहा जाता है कि बही खातों की विशेष पूजा की जाती है। बही खातों को आप अपनी पूजा के स्थान पर रखिए और नए लिखने की शुरुआत भी की जाती है। तेल के अनेक दीपक जलाकर आपको क्या करना है, जो मेन जो दिवाली का दिया है जिसे हम पूजा कर रहे हैं, उससे आप घर के बाकी दिए रोशन कीजिए और हर घर में, हर कमरे में आपको वो दिया जलाना है, तिजोरी के सामने, अपने आंगन में, अपनी गैलरी में, अपने मंदिर में, अपने कमरों में, अपने आगे गलियारे में, हर जगह आपने दीपों की माला सजानी है। और कोशिश करनी है कि हर दीपक जो है घर के कोने कोने में उज्ज्वल हो और घर का कोना कोना आपका रोशन हो जाए। एक छोटा सा दिया लीजिए और चौमुखा जो दीपक होता है वो जलाकर लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए। और फिर मिठाइयाँ, पकवान या फिर जो भी खीर आदि आप बनाना चाहते हैं, उससे आप लक्ष्मी जी को भोग लगाइए। घर के सभी जितने भी छोटे और बड़े सदस्य हैं, उनके छोटे जो सदस्य हैं वो बड़ों का आशीर्वाद लें, उनके पैर छुएं, और साथ ही इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाइए। और अंत में आप लक्ष्मी जी की आरती कीजिए और विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद आप सभी को प्रसाद बांटिए। बिल्कुल, दिवाली है और हर कोई चाहता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे, धन धान्य हमेशा बना रहे, संपत्ति रहे और कभी भी उनके पास पैसों का अभाव ना हो। पूजा जी, ऐसे में कैसे माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनकी पूजा की जाए, किस तरीके से, कौन कौन से विधि विधान है, ये तमाम जानकारी पूजा जी आज यहाँ पर दर्शकों के साथ साझा कर रही हैं। पूजा जी, ये तो बात हो गई उन लोगों की जो विधिवत पूजा पाठ करते हैं जी, वो तो इस विधि से लक्ष्मी की पूजा कर लेंगे, लेकिन क्या कुछ ऐसी खास बातें भी हैं जिन्हें अपनाकर वो लोग भी लाभ पा सकते हैं जिनके पास ज्यादा समय नहीं, या यूं कहें कि जो लोग विधिवत पूजा नहीं कर पाते, क्या उनके लिए कोई खास उपाय जिन्हें आजमाने से माँ लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है पूजा जी? जी बिल्कुल, देखिए दिवाली पर अनेक छोटे छोटे बड़े उपाय होते हैं जिससे हम कहते हैं कि माँ लक्ष्मी इस साल हमारे घर आई हैं तो अगले साल तक रहें, अगली दिवाली तक हमारे साथ रहें। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें हर कमरे में या तो शंख बजाएं, शंख नहीं है तो हमें घंटी जरूर बजानी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है शंख और घंटी की ध्वनि से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनका समापन हो जाता है और हमारे घर से दरिद्रता जो है वो भाग जाती है और लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसी तरह आप तेल का दिया जलाइए और हनुमान जी के मंदिर में जाके दिया जलाइए और उस तेल के दिए में एक छोटी सी लौंग डाल दीजिए और हनुमान जी की वहां जाके मंदिर में जाके आरती कीजिए, इससे भी कहा जाता है लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। आप दिवाली वाले दिन किसी शिव मंदिर पर भी जा सकते हैं, शिव मंदिर पर जाके शिवलिंग पर आप जल चढ़ाइए और साथ ही अक्षत यानी कि चावल जरूर चढ़ाइए दिवाली पर। और इस चीज का ध्यान रखें कि चावल जो है वो खड़े चावल होने चाहिए, खंडित चावल नहीं चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। और यदि आप साबुत चावल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो उससे भी कहा जाता है कि हमारी दरिद्रता दूर होती है और दिवाली पर लक्ष्मी जी का आगमन होता है। दिवाली पर हम पूजा करते हैं तो हम पूजा में पीली कौड़ियां भी रखते हैं। पीली कौड़ियां रखने से और उन कौड़ियों की पूजा करने के बाद आप ऐसे स्थान पर रखिए जहां पे आप तिजोरी या कैश या ज्वेलरी रखते हैं, तो कहा जाता है कि इससे हमारी सारी धन संबंधी परेशानियां जो है वो खत्म हो जाती हैं और साथ ही हमारे घर में प्रसन्नता आती है। लक्ष्मी पूजन के समय आप कोशिश कीजिए कि हल्दी की एक गांठ भी अपने पास रखें और उसको भी जहां पे आप तिजोरी रखते हैं या धन रखते हैं वहां पे पूजा करने के बाद स्थापित करेंगे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। दिवाली वाले दिन कहा जाता है कि झाड़ू खरीदना जो है वो बहुत ही शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि पूरे घर की जो साफ सफाई है वो नए झाड़ू से ही करनी चाहिए और काम हो जाने के बाद झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां वो दिखाई ना दे। खड़ा झाड़ू जो होता है वो घर में अशुभता लाता है, इसलिए झाड़ू को हमेशा छिपा कर ही रखना चाहिए। दिवाली वाले दिन आप जैसे धनतेरस पर झाड़ू खरीदते हैं, दिवाली वाले दिन वो झाड़ू यदि आप मंदिर में दान करते हैं तो भी महालक्ष्मी जी बहुत
ही प्रसन्न हो जाती हैं और महालक्ष्मी जी को आप गुलाब या गुलाब की सुगंध या अगरबत्ती जलाकर अगर आप मंदिर में झाड़ू का दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन कहा जाता है कि पीपल के पेड़ पर भी आप जल अर्पित कर सकते हैं और उससे भी शनि के जितने हमारे दोष होते हैं या जिसकी कुंडली में काल सर्प का दोष है वो दोष भी मिट जाता है। बिल्कुल, किस तरीके से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव भक्तों पर बना रहे, जातक पर बना रहे, तमाम जानकारी पूजा जी ने साझा की है। तो देखिए, जिस तरीके से अभी हमने बात करी उस जानकारी को लेकर, जैसे कि लोगों में समय का अभाव है तो कम समय में कैसे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरीके से विधि विधान के जरिए, पूजा पाठ के जरिए आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब पूजा जी, मैं चाहूँगी आप जानकारी दें कि किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, जो हमें दिवाली पर भूल कर नहीं करनी चाहिए या फिर जिन्हें करने से हमें परेशानियों का सामना भविष्य में करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए दिवाली वाले दिन हमें ये तो पता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए और कौन सा शुभ मुहूर्त है। साथ ही हम दिवाली वाले दिन बहुत साज सजावट करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अपना घर सजाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हमें पता है कि हमें क्या क्या करना है। लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता कि हमें क्या नहीं करना है, उस पर भी हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि दिवाली का पावन पर्व लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का होता है, खुशियों का त्यौहार होता है। कुछ चीज़ें करनी वर्जित हैं दिवाली के त्यौहार पे, जैसे कि यदि आप पूजा के लिए फूल तोड़ते हैं तो कोशिश कीजिए कि ये फूल ताज़े फूल हों, बिना स्नान किए फूल ना तोड़ें, क्योंकि कहा जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं और आपके घर में नहीं आती हैं। तो दिवाली के लिए पूजा हमेशा ताज़े फूलों से ही की जाती है, उसी से धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही पाँच दिवस का त्यौहार है दिवाली और इस दिन हमें क्या करना है, अपने मन को शांत रखना है, हमें किसी से भी झगड़ा नहीं करना है, किसी के भी बारे में हमें उल्टा सीधा नहीं बोलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि मन की शांति जहाँ पे होती है वहीं पे माँ लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही दिवाली वाले दिन हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, हमें उनका निरादर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यदि हम बड़े बुजुर्गों का निरादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं तो घर में प्रसन्नता और धन धान्यता नहीं आती है। इसी तरह से जब हम महालक्ष्मी की हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दिशा जो है हम गलत दिशा में बैठ के ना करें, जैसे कि मैंने बताया कि पूर्व दिशा की तरफ स्थापित होनी चाहिए, गलत दिशा की तरफ बैठ के यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तब भी वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा दिवाली के चलते आप जब भेंट देते हैं किसी को तो भेंट देने में किसी भी तरह का भेदभाव ना करें, छोटा हो, बड़ा हो, अपना हो, पराया हो, जिसको भी मन से भेंट दे रहे हैं बहुत ही मतलब सबको बराबर करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई कम है तो उसको कम दे रहे हैं और कोई ज़्यादा है तो उसको बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। भेदभाव करने से भी कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। साथ ही दिवाली वाले दिन नशे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को नशे से सख्त नफरत है और कहा जाता है कि वो रुष्ट हो जाती है, इसलिए दिवाली वाले दिन नशे का सेवन बिल्कुल भी ना करें। कई जगह दिवाली पर जुआ खेलने का परंपरा है, लेकिन जुआ हमें दिवाली पर नहीं खेलना चाहिए और ये शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही यदि दिवाली के वाले दिन या उसके आगे पीछे किसी भी दिन आपके घर में कोई भिखारी आता है, कोई व्यक्ति मदद के लिए आता है, तो उसे मना मत कीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कुछ भी भेंट दीजिए, जो भी आप दे सकते हैं आप वो ज़रूर दीजिए। इससे करने से क्या होता है कि आपके घर में संपन्नता आती है, आपको भगवान ने इस तरीके से बनाया है कि आप किसी भिखारी की या किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं, तो आपको उस दिन किसी को भी मना नहीं करना है, घर पे द्वार पे जो भी आएगा उसको कुछ ना कुछ देना है, खाली हाथ नहीं लौटाना है। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये तमाम जानकारी पूजा जी ने दर्शकों के साथ साझा की है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है, जिस तरीके से पूजा जी ने बताया, सबसे महत्वपूर्ण कि नशा बिल्कुल ना करें, क्योंकि नशा करना माँ लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं और ऐसे में नशा जो जातक करता है उसे माँ लक्ष्मी रुष्ट जाती है। पूजा जी, यूँ तो तीज त्योहारों में दान देने की परंपरा है, लेकिन कहते हैं कि दिवाली के दिन हमें बहुत सी चीज़ों को दान देने से बचना चाहिए। जी, तो मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बता दीजिए कि आखिर हमें दिवाली के दिन किन चीज़ों का दान नहीं करना है। देखिए, दिवाली वाले दिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि झाड़ू खरीदना धनतेरस वाले दिन बहुत शुभ माना जाता है,
और वो जो झाड़ू जो है आप दिवाली वाले दिन उसी से सफाई करेंगे, अपने घर में रखेंगे। झाड़ू का दान नहीं करते हैं दिवाली के दिनों में, क्योंकि झाड़ू जो है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और कहा जाता है यदि आप झाड़ू का दान देंगे तो वो शुभ नहीं होता है, और जहाँ माँ लक्ष्मी भी इसके साथ झाड़ू के साथ आपके घर से निकल जाती है। साथ ही कहा जाता है खिचड़ी का दान नहीं करते हैं, क्योंकि खिचड़ी का दान देना जो है वो शुभ नहीं माना जाता है। या तो आप कच्चा जो खाना होता है उसका भी दान नहीं करना चाहिए। दिवाली वाले दिन आप जो माँ लक्ष्मी और गणेश की जो मूर्तियां हैं उनका भी आपको दान नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि इस दिन हम भगवान को अपने घर में लेकर आते हैं, हम किसी को गिफ्ट में या दान में वो चीज़ें नहीं देते हैं। दिवाली वाले दिन नारियल या बादाम जैसी चीज़ों का भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं। और कहा जाता है कि इस दिन सरसों के तेल को भी आपको किसी को नहीं देना है, क्योंकि सरसों के तेल का हम दिया जलाते हैं और अपने घर आंगन को उज्ज्वलित करते हैं, इसलिए सरसों का तेल भी दान देना वर्जित है। इस दिन किसी को धन नहीं देना चाहिए, उधार नहीं देना चाहिए। इसके बजाय अगर आपको किसी को कुछ देना ही है तो कोई वस्तु या कोई चीज़ खरीद के दे दीजिए, लेकिन कैश आपने किसी को भी उधार या दान नहीं देना है। चावल और दूध से बनी चीज़ों का भी आपको दान पुण्य नहीं करना है, क्योंकि कहा जाता है जितनी भी सफ़ेद वस्तुएं हैं वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं, इसीलिए सफ़ेद वस्तुओं का दान नहीं होता है। और दिवाली वाले दिन जैसे कि मैंने बताया कि लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को हम लेकर आते हैं घर में, तो उन प्रतिमाओं को भी हम दान में नहीं देते हैं। पूजा जी, ये तो सभी के लिए जानकारी रही कि सबको क्या उपाय करने चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें दान नहीं करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं राशिफल के हिसाब से पूजा जी, कि उस दिन किस राशि के जातक को क्या किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से तमाम उपाय वो कर सकते हैं, किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सके। पूजा जी, देखिए राशि अनुसार यदि मैं बताना चाहती हूँ, ये जो मैंने आपको दान पुण्य की विधि बताई है ये सभी राशियों पर लगती है, और ऐसा नहीं है कि मेष राशि वाले कुछ अलग तरीके से पूजा अर्चना करेंगे या वृषभ राशि वाले अलग तरीके से पूजा अर्चना करेंगे। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि राशि अनुसार हम दान पुण्य, जैसे कि हम कौन सी मिठाई, कौन सा रंग पहने, ये हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर शुरुआत करते हैं मेष राशि से, मेष राशि वालों को लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के फूल और लाल रंग की ही मिठाई जो होती है वो माँ लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए, ये उनके लिए शुभ होती है, क्योंकि मेष राशि जो है लाल रंग का प्रतीक होती है और उनके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी तरह हम वृषभ राशि की यदि बात करें तो वृषभ राशि के जितने भी लोग हैं वो सिल्वर कलर या वाइट कलर या फिर मल्टी कलर के कपड़े पहन सकते हैं और सफ़ेद मिठाइयाँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं मिथुन राशि की, मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं वो हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, हरे रंग की पत्तियाँ और उस साथ ही जैसे कि हरे रंग की कोई मिठाई हो गई या हरी इलायची हम लक्ष्मी जी को और गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं, उनके लिए शुभ होगा। इसके बाद बात करते हैं हम कर्क राशि की, कर्क राशि के जितने भी जातक हैं सफ़ेद रंग, सिल्वर कलर उनके लिए बहुत ही शुभ है, सफ़ेद रंग से संबंधित वो कपड़े पहने और साथ ही सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ दान करें, या फिर चांदी या सोने की, चांदी की स्पेसिफिकली आप मूर्ति लेकर चांदी का सिक्का जो है लक्ष्मी जी के लिए आप सामने रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सिंह राशि की, सिंह राशि के जितने भी जातक हैं वो ऑरेंज कलर, नारंगी कलर पहन सकते हैं और साथ ही नारंगी रंग की मिठाई माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ होगा। बात करते हैं कन्या राशि की, कन्या राशि के जितने भी जातक हैं वो हरे रंग की मिठाई, हरे रंग का कलर अपने वस्त्रों में धारण कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ होगा। और हरा बादाम जैसे आप अर्पित कर सकते हैं माँ लक्ष्मी को या गणेश जी को, वो भी उनके लिए शुभ माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं तुला राशि की, तुला राशि के जितने भी जातक हैं वो कोई भी मल्टी कलर्ड कपड़े या सफ़ेद या सिल्वर रंग के कपड़े पहन सकते हैं और साथ ही माँ लक्ष्मी को जैसे कहते हैं कि श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, भेंट में दे सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं और साथ ही सफ़ेद रंग की मिठाई जो है उनके लिए जैसे खीर या फिर नारियल से बनी मिठाई अर्पित की जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं वो कोई भी लाल रंग से संबंधित कपड़े पहन सकते हैं, लाल मिठाई, लाल सेब या फिर कुछ ऐसा
जो कि जैसे कि लाल मूली हो गई, इस तरह की चीजें आप अर्पित कर सकते हैं श्री लक्ष्मी जी को और गणेश जी को। वृश्चिक राशि के बाद बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जितने भी जातक हैं वो पीला या फिर सुनहरा रंग पहन सकते हैं और पीले रंग के लड्डू या बेसन के लड्डू जो है वो माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जितने भी जातक हैं, मकर राशि के जातक जो हैं गहरा नीला रंग पहन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि मकर और जो हमारी कुंभ राशि है ये शनि की राशियां होती हैं और इनका प्रधान जो रंग होता है वो काला होता है, लेकिन हम पूजा पाठ के समय में काला रंग नहीं पहनते हैं। इसीलिए मकर और कुंभ राशि वाले जितने भी लोग हैं वो नीला वस्त्र पहन सकते हैं और इसी तरीके से वो कुछ भी नीले रंग का गिफ्ट या वो लेकर तो लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए भी यही है कि नीले वस्त्र धारण कीजिए, काला वस्त्र भूलकर भी ना पहने। उसके बाद अंत में आती है मीन राशि। मीन राशि के जितने भी जातक हैं वो पीला रंग, नारंगी रंग या सुनहरा रंग पहन सकते हैं और इसी रंग की मिठाइयां अर्पित भी कर। तो किस राशि के जातक को कौन कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, तमाम जानकारी पूजा जी ने हमारे साथ जुड़कर दर्शकों के साथ साझा की। शुक्रिया पूजा जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। हम चाहेंगे कि इस दिवाली आपका घर धन धान्य से भर जाए, आपके घर में खूब खुशहाली आए, इसी शुभकामना के साथ लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।